ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੀਸੀ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੁਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਸੀ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस बात को लेके मैंने सारी स्टूडेंट्स से उनकी सारी प्रॉब्लम सुनी, उसके बाद मैंने वीसी से बात की, तो वीसी के बात करने के बाद मैंने उनको पूछा कि ये सब हुआ है, तो उन्होंने सब डिनाई कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं गया जरूर था वहां पे, लेकिन मेरे साथ वहां पे वार्डन थी, मेरे पास बाकी के और लोग थे, जबकि गर्ल्स स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि इनके ये नहीं, इनके साथ दो बंदे थे और वार्डन नहीं थी, वार्डन को बुलाया गया था। और उसके बाद में वीसी सर को मैंने ये भी कहा था कि आप एक जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए, जो कि स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनको सुनिए और इनको अपोलोजाइज करिए कि जो आपने हरकत की है। तो उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि हम आज कर देंगे उसको। तो जब मैंने आज 4 बजे तक उनकी वेट की, फिर मैंने उनको फोन किया कि आपका ये सब कमेटी हो गया है या नहीं, तो उन्होंने बोला हम कर रहे हैं, हमारी कर रहे हैं कमेटी को। जब स्टूडेंट से बात की तो स्टूडेंट से बोला इन्होंने कमेटी की है, इन्होंने कोई बंदा बाहर का नहीं डाला उसमें, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हो, कोई बंदा ऐसा नहीं डाला। और जब ये स्टूडेंट्स बात भी करने गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव बात करने गए, तो ये डायलॉग फेल हो चुका है। और स्टूडेंट्स की डिमांड है कि हम तब तक जो है अपना स्ट्राइक नहीं खत्म करेंगे और किसी तरह से भी डायलॉग नहीं करेंगे जब तक ये वीसी जो है ये इंचार्ज है। वो कहते हैं इनकी पावर्स खत्म कर देनी चाहिए, इनको तो इनका इस्तीफा होना चाहिए। तो आई रिकमेंड, जब ये डायलॉग फेल हो चुका है, हमारे इंटरवीन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, वीसी साहब ने कुछ नहीं किया है, तो आई रिकमेंड कि वो खुद ही अपना इस्तीफा दे दे। एंड मोर ओवर आई हैव रिटन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई हैव गिवन टू द कॉपी टू सीएम साहब ऑल्सो। जो मैं बात कह रही थी आपसे कि मैंने लेटर लिख रही हूं, मैं इसके लिए वो लिखा जा चुका है, उनको भेजा जा चुका है। एंड इनकी जो है इनको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि पोलिटिकल प्रेशर डालकर स्टूडेंट्स के घर पे पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को मनाइए कि वो अपना धरना छोड़ दें, नहीं तो हम उनको कॉलेज से निकाल देंगे। लेकिन जब मैंने बात की थी स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको मैंने अश्योर किया था कि ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप अपनी एक ईगो के लिए कि आपने अपोलोजाइज नहीं करना, आपने रिकमेंडेशन नहीं माननी नहीं है स्टूडेंट्स की, और आप परेशान करेंगे स्टूडेंट्स को, उनका करियर खराब करेंगे, उनको क्लासेस, देखो इतनी गर्मी है, बारिश हो रही है, स्टूडेंट्स सब बाहर बैठे हुए हैं, आपको किसी चीज की परवाह नहीं है चीज में। तो जो है ये पॉलिटिकल प्रेशर डालना, स्टूडेंट्स को परेशान करना, गर्ल्स को इस तरह से गलत कमेंट करके इस तरह से करना, ये बिल्कुल गलत है। नाउ आई हैव टेकन माई सेकेंड स्टेप वेरी सीरियसली, आई थिंक दिस वीसी शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली।